मुरादाबाद में सिपाहियों के द्वारा हुए पत्रकारों पर हमले पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। पत्रकार समाज से किसी तरह की अपेक्षा नहीं करता है, केवल सच दिखाने का काम करता है और जो गलत काम करते हैं उसको भी वह दिखाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाते हैं। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को प्रश्न अच्छा नहीं लगता है तो गुंडों से पिटवाया जाता है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुंडों को बुलाना है या मारपीट करना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए जिससे सभी लोगों को एक सबक मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा मुरादाबाद में सफाइयों ने पत्रकारों के ऊपर हाथापाई की है और मुकदमा दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कमतर होगी। हम समाज के साथ चलते हैं, हम समाज से कुछ और अपेक्षा नहीं करते हैं, हम समाज को लगातार देने का काम करते हैं। उनके बीच में छिपे हुए भेड़ की खाल ओढ़े भेड़ियों की पहचान करके समाज को बताते हैं। हमने अपेक्षाएं नहीं की हैं, न हमने अखिलेश से कभी अपेक्षा की और न हमने वर्तमान सरकारों से कभी अपेक्षा की, लेकिन जो लोकतंत्र की रक्षा का गुरुतर दायित्व हमने अपने कंधों पर लिया है उसके मार्ग में कोई भी बाधा बनकर आएगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश जी ने भी यही किया, अगर हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो फिर वो प्रेस वार्ता बुलाते किस लिए हैं, और प्रेस वार्ता बुलाते हैं तो गुंडों को साथ लेकर आएंगे कि हमारे प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुए तो गुंडों से पिटवाएंगे। इसका अधिकार न उनको उनके पूर्व पद ने दिया है और न ही उनको यह अधिकार किसी भी संविधान ने दिया है। यह सत्य है कि हमारे पास यह कोई संविधान नहीं है, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया, मुझे बुलाया गया प्रेस वार्ता में, इसलिए उनका एक कार्य निंदनीय है। उनके विरुद्ध जो NCR दर्ज हुई है मेरा सरकार से नाइत्तफाकी है, इस पर सीधे सीधे बृहत क्रिमिनल धाराओं में हत्या के प्रयास तक का आरोप लगाया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को भविष्य में इस बात की सबक मिले कि पत्रकारों पर इस प्रकार अनायास प्रहार करके वो पत्रकारों को निहित मात्र असहाय और निरीह व्यक्ति न माने। अगर देखा जाए गोरखपुर में तो उनके पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं मुकदमा वापस करने की, जबकि वहाँ के जिलाध्यक्ष ने मुरादाबाद के पत्रकारों के ऊपर प्रास तैयार करवाया, कितना सही है ये? सांप काटता है लेकिन जरा सा एक डंडा मारिए तो बिलबिलाता है। मेरे ख्याल में आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा।